चलते कई अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं। इसी लिस्ट में भारत यूरोपियन यूनियन समिट का नाम भी जुड़ गया है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि भारत यूरोपियन यूनियन समिट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले थे, उसे स्थगित कर दिया गया है। अब पीएम मोदी इस समिट में हिस्सा लेने बेल्जियम नहीं जाएंगे। रवीश कुमार ने बताया कि दोनों तरफ के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि ऐसे समय पर ट्रैवल करने से बचना चाहिए, इसलिए यह तय किया गया है कि इस समिट को स्थगित कर दिया जाए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और यूरोपियन यूनियन ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह के मद्देनजर पीएम मोदी की बेल्जियम यात्रा को रीशेड्यूल करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि यह निर्णय यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच घनिष्ठ सहयोग की भावना से लिया गया है, जो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए समान चिंताओं और प्रतिबद्धता को साझा करते हैं और आशा करते हैं कि कोरोना वायरस का ये प्रकोप जल्द ही खत्म हो। मालूम हो कि कोरोना वायरस के इस कहर के चलते राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली कई बैठकों और कार्यक्रमों पर असर पड़ा है। होली को लेकर होने वाले उत्सवों तक कोरोना का प्रकोप देखने को मिला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कई कार्यक्रम भी इसके चलते स्थगित करने पड़े हैं। भारतीय नौसेना ने अपने अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक एक्सरसाइज मिलन 2020 को भी कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन, अ जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।